देवास में हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के महापर्व के शुभ अवसर पर बजरंग सेना संगठन ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 16वें वर्ष भी भारतीय संस्कृति का परचम लहराते हुए हिंदुत्व एकता दिखाने के उद्देश्य से एवं धर्म रक्षा के संकल्प के साथ भव्य भगवा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग भगवामय नजर आया। भगवा यात्रा का जगह जगह भव्य पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यात्रा संयोजक एडवोकेट उमेश चौधरी ने बताया कि बुधवार को शाम 5 बजे रामदेव मंदिर सयाजी द्वार से पंचमुखी हनुमान जी की महाआरती के साथ प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गो से होते हुए कालानी बाग स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा पश्चात महाआरती के साथ महाप्रसादी का वितरण किया गया। यात्रा में युवा हाथों में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम के उद्घोष के साथ चल रहे थे। ढोल डीजे और बैंड बाजों के साथ निकाली भगवा यात्रा का कई जगहों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया, जिसमें आयोजक चौधरी यात्रा के दौरान जो हिंदू हित की बात करेगा वही देवास पर राज करेगा के उद्घोष लगाए, साथ ही आगामी वर्षों में इससे भव्य यात्रा निकालने का आह्वान किया। बजरंग सेना संगठन के नेतृत्व में सबसे पहली भगवा यात्रा 2007 में निकाली गई थी हिंदू नववर्ष बनाने के लिए। इसी उद्देश्य को लेकर हम निकले थे कि आओ हिंदू नववर्ष बनाए और भारतीय संस्कृति का परचम लहराए, सनातन संस्कृति का परचम लहराए। आज वो सपना हमारा साकार हो रहा है और देश के अंदर देखेंगे आप, देवास में आसपास देखेंगे हिंदू नववर्ष बनाने लोग लग गए। पहले वेस्टर्न कल्चर में रहते थे, यही चीजें हम 2007 से सपना लेके चले थे, आज वो साकार हो रहा है बाबा की कृपा से। आज ये सयाजी द्वार से पंचमुखी हनुमान जी की आरती कर हमने यात्रा एमजी रोड होते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए कालानी बाग हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे समापन किया है। आपका एडवोकेट उमेश चौधरी, संस्थापक प्रमुख बजरंग सेना संगठन। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।